बाल महोत्सव 2020 में बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूलों के बच्चों को अब टक्कर देने जा रहे हैं संभावना स्कूल के बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो कभी चाइल्ड लेबर का काम करते थे। इन्हें चाइल्ड लेबर की दलदल से निकाल कर लाने वाली चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट सुधा व प्रोजेक्ट लीडर विनोद सोलंकी इन बच्चों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनकी शिक्षा के साथ साथ सुधा और विनोद इनके हुनर को निखारने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को हर कंपटीशन में टक्कर दे सके। संभावना स्कूल के तमाम स्टाफ की बच्चों के प्रति सिखाने की लगन को देखकर लगता है कि यहाँ का स्टाफ इन बच्चों से दिल से जुड़ चुका है। सुधा झा ने बताया कि मकसद एक ही है, वो इन बच्चों को सफल होता देखना चाहती है। वहीं प्रोजेक्ट लीडर विनोद का मानना यह है कि बच्चों में टैलेंट तो है, बस उसे जरूरत है निखारने की, जिसके लिए उनकी पूरी टीम दिन रात इन बच्चों के पीछे मेहनत कर रही है। अभी बाल महोत्सव चला हुआ है, कोरोना की वजह से इस बार ऑनलाइन किया जा रहा है, तो काफ़ी स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के भी और गवर्नमेंट स्कूल, हर तरह के बच्चे। तो हमारा यहाँ पे तो चाइल्ड लेबर के जो स्कूल है इसके बच्चे हैं। इसके अलावा मैं एज अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी प्रमोट कर रही हूँ, वहाँ पर भी हमने बाल महोत्सव की जानकारी दी है उन बच्चों को और वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों की भी एंट्री करवा रहे हैं जिनके पास लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे भी भाग लें बाल महोत्सव में, क्योंकि सभी बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। और वह एक तो कोरोना में घर में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से मानसिक दबाव ना हो, बच्चे इन चीज़ों में इंगेज हो, ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की बाल महोत्सव का ऑनलाइन करवाने का। आप लोग हम लोग बाल महोत्सव की तैयारी करा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप पहले विजिट किए हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारा सेंटर संभावना सेंटर, ये प्रोग्राम जो है हिमाना पीपल टू पीपल इंडिया का है, और जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इंगेज थे उनको वहाँ से निकाल के और इन बच्चों को हम यहाँ शिक्षा देते हैं, और साथ में इनके अंदर हिडन टैलेंट है तो उसको उभारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिए हम इन बच्चों को मौका देते हैं। ये बहुत अच्छे डांस करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। तो अभी बाल महोत्सव जो चला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे अध्यापक गण हैं उस सब चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, जो बाल महोत्सव की जो भी नियम्स हैं, जो भी उसमें कैटेगरी।